वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जी, जैसे कि आप लोगों को बहुत टाइम से इंतज़ार है, तकरीबन इनका इन लोगों का वलीमा जो है ना वो 23 तारीख को हो गया था, मतलब 23 नवंबर की बात कर रही हूँ, मतलब 23 नवंबर की, ठीक है। उसके बाद आज क्या तारीख हो गई है, आज हो गया है 4 दिसंबर, ठीक है। पर अभी तक वो दुल्हन नहीं हो गई, कोई हूर की परी हो गई या कोई फिल्म वाली हीरोइन हो गई, वल्ला आलम बॉलीवुड की किसी हीरोइन से शादी कर ली जो इतना ज़्यादा छुपा रहे हैं और इतनी अकड़ दिखा रहे हैं कि नहीं दिखाऊंगा, मेरा फैसला है, मैं बाद में दिखाऊंगा, ये करूंगा, मतलब कि कुछ अलग ही सीन होने। अच्छा, ये इन लोगों का ना कुछ है, सिस्टम ही है इन लोगों। एक तो YT पर ये एक रिवाज चला हुआ है, ये एक ट्रेंड में आया हुआ है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये चीज़ तो एक ट्रेंड में आई हुई है, पर इनके घर का ना कुछ अलग और स्पेशल चीज़ है इनके घर की। अगर फेस रिवील की बात करूं, मैं फेस आपको दिखाऊंगी, आप देख लीजिएगा आगे चल के, पर मैं अब बात कंप्लीट कर लूं। तो इन लोगों का ना अलग ही सीन है। जब सरफराज का बेटा हुआ था ना, तो बड़ा वाला बेटा, तो वो 1 साल का हो गया था बच्चा, वो 1 साल का हो गया था, इन लोगों ने फेस रिवील नहीं करवाया था उसका, ठीक है। उसके बाद वो छोटा वाला बच्चा जो है ना, वो भी अच्छा बड़ा हो गया, तकरीबन मेरे ख्याल से 1.25 महीने का हो गया था, जो 1.25 महीना होता है ना। तो उसके बाद जाके मतलब नाजिया का बेटा हो गया था, नाजिया ने अपने बेटे का फेस रिवील भी कर दिया था, 6ठी में ही कर दिया था नाजिया ने तो। पर इन्होंने उसको भी इतना लंबा खींचा था, अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, अपने बेटे का फेस नहीं दिखाऊंगा, ऐसे करते हुए बट ना ऐसे ही करते हुए ना इन लोगों ने ऐसे काफी टाइम गुजार दिया था, बच्चों का फेस ही नहीं दिखा रहे थे। भाई सब फैमिली वाले हैं, सबके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, चलो अपने नहीं होंगे तो बहन के, भाई के, ससुराल वालों के, मतलब जो होते हैं देवर, जेठ, नंद, देवरानी, जेठानी, उनके बच्चे होंगे तो कोई आपके बच्चे को देख के क्या हसद करेगा, क्या कैमरे में से निकाल लेगा वो बच्चे को, मतलब करेगा क्या, है ना। पर ये लोग ने इतना उसमें सस्पेंस डाल दिया था, अभी नहीं दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा करके ना। तो सरफराज की बात कर रही हूँ मैं, तो उन्होंने इतना वो कर दिया था अपने बच्चे का, एक लंबाई खींच के चले गए थे भाई, वीडियो 1-1 साल तक का नहीं दिखाई थी बच्चे की, मतलब बच्चे सबके एक जैसे ही होते हैं भाई। बस क्या है ना कि एक ये दो चीज़ें होती हैं ऐसी, एक किसी के घर में नया बच्चा पैदा हो जाए या किसी की नई दुल्हन आ जाए, तो ये एक सबको देखने का एक शौक होता है, यार दुल्हन कैसी आई है देखते हैं, उनके घर में बच्चा हुआ है चलो देख के आते हैं कैसा है, कैसा है, किस में मिलता है किस में नहीं मिलता है ना, सिर्फ यही चीज़ होती है। बाकी दुआ बच्चों के मामले में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरी, चाहे आप लोग देखने वाले, चाहे आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, ठीक है, पर इतनी बात बोलूंगी कि आप लोगों के भी दिल में किसी के बच्चे के लिए बुराई नहीं हो सकती। मुझे इस बात पे यकीन है ही नहीं कि कोई किसी के बच्चे को बुरा बोलता होगा या किसी के बच्चे को बद्दुआ देता होगा या कुछ ऐसी गंदी बात करता भी होगा किसी की औलाद के लिए, है ना। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद ऐसी सोच की नहीं हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ यार बच्चा किसी का भी हो, बच्चे सबके एक बराबर होते हैं, अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन, आप भी आमीन बोलिएगा। तो फ्रेंड्स, पर इन लोगों ने जो है ना वो बहुत लंबा खींच दिया उनका भी, ठीक है। अब दुल्हन की बारी आई, तो दुल्हन का पहले तो जीनत के हस्बैंड का भी फेस रिवील नहीं करते, वो जीनत दिखाएगी अपने ब्लॉग में, वो फला दिखाएगा अपने ब्लॉग में, वो उसका कंटेंट है, वो उसका कंटेंट है, वो उसका, भाई देखने वाली पब्लिक तो तुम सबकी एक ही है ना, जो नाजिया के ब्लॉग देखती है वो स्ट्रीट फूड के भी देखती है, वो सरफराज के भी देखती है, वो जीनत के भी ब्लॉग देखती है, तो पब्लिक तो सबकी तकरीबन एक ही है, तकरीबन 90% पब्लिक इन लोगों की सेम ही है, है ना। पर ये लोग इतना पता नहीं क्यों इतना भाव खा रहे हैं, सच में जो वहां पे कमेंट में भाव खाना लिखा हुआ था ना, तो सच में जिसने भी लिखा था ना वो बिल्कुल सही लिखा था, यार ये लोग बहुत भाव खा रहे हैं इस वक्त ना, अभी दुल्हन के लिए अपने इतना है, जबकि दुल्हन कौन है, तो चलिए आइए देख लीजिए आप भी, यहाँ मैं लगा देती हूँ पिक्चर, 100% जी यही है दुल्हन, जी हाँ नेहा की बात कर रही हूँ, यही है दुल्हन। इन लोगों ने ना एक सीन क्रिएट किया है, अब लोग बोलेंगे नेहा मुंबई की है और शादी जो है वो हैदराबाद में हुई थी, तो वही चीज़ इन लोगों के सारे रिश्तेदार जो है ना, अगर आप लोगों को भी पता हो, वो सारे के सारे हैं ही हैदराबाद में, हैदराबाद में है या फिर वो एक जगह और है, वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड भी रहती है
औरंगाबाद, औरंगाबाद में भी हैं इनके रिश्तेदार। अभी थोड़ा टाइम पहले ये लोग शादी में भी गए थे वहां पर, ठीक है। तो ये लोग ना वहां पर जाके इन्होंने शादी इसलिए की कि सबका जहन जो है वो लोग जो बल्कि सबका जहन जो है ना वो कंफ्यूज हो जाए, लोग जो है ना इनका दिमाग खराब कर दो, इनके दिमाग को जो है ना वो आलू का भुर्ता बना दो कि सोचते रहे कि नेहा है या कोई और है, नेहा है या कोई और है, नेहा है या कोई और है। क्योंकि इन लोगों ने कितनी कितनी सारी इन लोगों की बातें ना आप लोग उसमें जीनत की शादी के वक्त की भी ना आप लोग नोट कर लिएगा कि इन लोगों ने उसको उस वक्त भी जो है वो कम कम दिखाया। जब घर की जिम्मेदारी की बात आई, घर की चाबियों की बात आई, तो भी नेहा के पास थी घर की चाबियां, मतलब के ये लोग जब हॉल वगैरह में आ गए थे तो घर की चाबियां भी इन लोगों ने रखवाई। तो इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट वो अपने बच्चों के दोस्तों पर नहीं किया जाता है, जो इस घर का मेंबर होता है या होने वाला होता है ना, तो इतना ट्रस्ट जो है ना बंदा उसी पर ही करता है ना। तो उस चीज को भी ये लोग लंबा खींच गए, पर दुल्हन आप देखिएगा ये नेहा ही निकलेगी। और कल की वीडियो में अगर आप देखें, मतलब नाजिया की वीडियो में भी आप देखेंगे ना जुम्मा की वाली जो है, तो उसमें भी मिरर में जो फेस दिख रहा है उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, पर जितना फेस दिख रहा है उसमें भी वो नेहा का ही लुक दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी जगह आप एक जगह और नोट कीजिएगा, जो स्ट्रीट फूड जायका पर व्लॉग बना हुआ है खाना खाते वक्त, मतलब बारात का इनका खाना खाते वक्त की बात, बारात की वलीमे की, सॉरी वलीमे का खाना खाते वक्त की जो बात है ना, वहां पर भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि जो वहां पे एक थोड़ा सा हल्का सा साइड पोस्ट आया उसमें भी वो नेहा ही है, ठीक है। फिर जब ये लोग हैदराबाद शादी के अंदर गए हैं ना, तो नाजिया के व्लॉग में देखिएगा ये चीज, ठीक है। क्योंकि मैं इन सबके व्लॉग को ना अच्छी तरह वो बोलते हैं ना रिसर्च करके आई हूँ, क्योंकि बोलने में और बताने में जो है वो गलत बयानी ना हो सिर्फ ये बोल के, ठीक है। तो वहां भी देखिएगा कि हल्की सी एक झलक आई है, पर नाजिया ने जो है फौरन से इमोजी लगा दिया, वो भी नेहा ही है, ठीक है। तो अब इतनी जगह जब नेहा की झलक दिखाई जा रही है और उसको एकदम से हाइड किया जा रहा है, उस पर इमोजी लगा दी जा रही है और उसको एकदम से कट कर दिया जा रहा है सीन को, तो क्या पब्लिक समझेगी नहीं? ये लोग अपने आप को लग रहा है बहुत होशियार समझते हैं, लोग समझते हैं हम एक अकलमंद है और बाकी सब हमारी पब्लिक जो हमें देख रही है ना, इतना प्यार दे रही है, इतना सपोर्ट दे रही है और हमें जमीन से उठा के आसमान पर बिठा रही है, ये साली बेवकूफ है पब्लिक हमारी। तो इन लोग के जहन में ना कुछ ऐसा वाला सीन चलता है, पर ये इनकी एक गलत फहमी का इनको बुखार चढ़ा हुआ है, मैं तो ये बोलूंगी पूरी फैमिली को ना गलत फहमी का बुखार है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी यही थी, आई होप कि आपने दुल्हन वो देख ही ली होगी, बल्कि काफी सारे लोगों को था ये कि ना नेहा ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यकीनन आपको पता लगी होगी। अच्छा नेक्स्ट वीडियो जो अब आएगी ना मेरी, वो आप लोग मैके मैके की बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनके भी व्लॉग में जाकर कमेंट आ रहे हैं और मेरे पास भी इत्तेफाके के बहुत सारे ये कमेंट आ चुके हैं कि ना इनका मैका कहाँ है, इनकी बहुओं का मतलब बहू का, पहली वाली की ही बात करेंगे, बड़ी बहू का मैका कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, क्या है, क्यों नहीं मिलते, क्या नहीं करते। तो इंशाल्लाह ताला वो बात भी जो है वो पूरी अच्छे से बैठ के खुलासा किया जाएगा और विद प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कॉमेंट तो लाजमी करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।